इस बीच बड़ी खबर, जहां प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्राइम टीवी की खबर के असर को लेकर पिस्तौलबाज दबंग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में दिख रहा है ये वही पिस्तौलबाज है जो बेब पुलिस चौकी के पास अपनी दबंगई का नमूना दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ मोबाइल कैमरे में भी कैद हुआ था। और इसके बाद देखिए, प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद आलम यह है कि अब ये आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। खुलेआम पिस्तौल की बट से इस युवक को पीट रहा था और पीटते हुए वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। और इसके साथ ही देखिए, प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, अधिकारियों के संज्ञान में हम इस खबर को लेकर आए और उसके बाद जाकर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से अंजाम दी गई है। विभूतिखंड थाना इलाका अंतर्गत वे पुलिस चौकी आती है जहां पर दिन के वक्त में ये सफारी सवार दबंग शख्स जो है वो अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा था। और देखिए किस तरीके से ये एक कैब ड्राइवर को पीटता हुआ पिस्तौल की बट से नजर आ रहा है। एक वीडियो जिसमें एक युवक को पिस्तौल के बट से मारते हुए दूसरा व्यक्ति नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उक्त वीडियो की जांच कराने पर यह सामने आया कि रंजीत शुक्ला, जो कि बीबीडी से भूतनाथ की तरफ अपनी वैगनार गाड़ी में जा रहे थे, उनकी गाड़ी बांस मंडी के पास एक सफारी जिसको विनोद मिश्रा ड्राइव कर रहे थे उस सफारी से टकरा गई। उक्त को लेके दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसमें विनोद मिश्रा द्वारा अपने लाइसेंसी पिस्तौल के बट से रंजीत शुक्ला को मारा गया। उक्त विवाद में थाना स्थानीय विभूति खंड में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है एवं अभियुक्त विनोद मिश्रा को हिरासत में लिया जा चुका है।